भारत द्वारा निर्मित अत्याधुनिक और घातक हथियारों की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। भारत ने इस साल इतना हथियार बेचा है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस निर्यात से जहां भारत मालामाल हुआ, वहीं पाकिस्तानियों का दर्द भी उभर कर सामने आ गया है। ताइवान पर चीनी हमले के बढ़ते खतरे और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर में भारतीय हथियारों की जमकर खरीद हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने हथियार बेचने के मामले में 2024 में करीब 33% की ग्रोथ हासिल की है। इस साल अभी तक भारत ने कुल 21,083 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% ज़्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र और DPSU सहित हमारे रक्षा उद्योगों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हथियार बेचकर पैसा कमाने के मामले में देश के सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही कंपनियां शामिल हैं। इसमें 100 ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार डिफेंस प्रोडक्ट का निर्यात कर रही हैं। भारत ने जिन देशों को हथियारों का निर्यात किया है, उनमें फिलीपींस और आर्मेनिया सबसे ऊपर हैं। इन हथियारों में ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी तक मार करने वाली 155 mm की एडवांस तोपें शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस और इजराइल भी अपने उपकरणों को भारत में बनवाने लगे हैं। साथ ही कई हथियारों के कलपुर्जों का निर्माण भी भारत में हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हथियारों की मांग में तेजी ये दर्शाती है कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। रूस ने जब आर्मेनिया को हथियार देने से मना किया तो भारत उसके सहयोग में खड़ा हो गया। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तानी गठजोड़ गैंग का सामना कर रहे आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें खरीदी हैं। इसके अलावा भारत आर्मेनिया को एंटी ड्रोन सिस्टम भी दे रहा है, जो तुर्की के किलर ड्रोन के खिलाफ काफ़ी कारगर है। यही वजह है कि अजरबैजान की सरकार ने खुलकर भारत के इस कदम का विरोध किया है और नाराजगी जताई है। भारत की रक्षा निर्यात में बढ़ती हनक और कामयाबी की पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। एक यूट्यूबर ने भारत की इस सफलता पर पाकिस्तान के आवाम से बात की। पाकिस्तान के पिछड़ने के सवाल पर लोगों का कहना है कि रिसर्च के मामले में भारत की अपेक्षा पाकिस्तान का बजट बहुत कम है। ऐसे में होनहार छात्र देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं, उन्हें अपने मुल्क में काम नहीं मिलता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की छवि दुनिया में खराब है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।